एक तरफ मुख्तार के जनाजे में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई तो कब्रिस्तान के बाहर भी भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। इस दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब लोगों की भीड़ कब्रिस्तान में घुसने के लिए धक्का मुक्की करती दिखी। लिहाजा जिलाधिकारी गाजीपुर ने जब कम लोगों को कब्रिस्तान जाने देने की बात कही तो माफिया मुख्तार के भाई अफजाल जिलाधिकारी से ही भिड़ गए। एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई है, भाई हाँ हाँ। माफिया की मौत पर क्यों बौखला गया अफजाल? एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं। जनाजे के दौरान डीएम से क्यों भिड़ गया सांसद भाई? परमिशन इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है। गाजीपुर की डीएम और अफजाल अंसारी के बीच हॉट टॉक की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। आप भी सुनिए माफिया का भाई और गैंग नंबर IS-191 का मेंबर, अदालत से सजा याफ्ता लेकिन जमानत पर घूम रहा अफजाल अंसारी कैसे जिलाधिकारी से जुबान लड़ा रहा है। एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई है, भाई हाँ हाँ। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके अधिक संख्या हम। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। हाँ कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते हैं आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधि कार्रवाई करेंगे, हम आप सब पे आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रुकिए। ये तस्वीर मुख्तार के जनाजे के वक्त की है, लोगों की भीड़ भारी थी। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि परिवार इस पर सहमत नहीं था। ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। वहां गाजीपुर डीएम और अफजाल अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई। एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हाँ हाँ। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके अधिक संख्या। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते हैं आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधि कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। हालांकि इस बहसबाजी के बाद परिवार जल्द रसम अदा करने पर राजी हो गया, लेकिन जिला अधिकारी का दावा है कि मनमानी करने वालों पर FIR की जा रही है। देखिए, अनकंट्रोल्ड भीड़ कहीं पे भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, तो उसी के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने इस बात को समझा और धीरे धीरे अपने घर को चले गए। अफजाल अंसारी और जिला अधिकारी गाजीपुर के बीच हुई हॉट टॉक को अगर छोड़ दे तो बाकी सब कुछ सामान्य तरीके से निपट गया। मुख्तार नाम का माफिया मिट्टी में दफन हो गया और साथ में दफन हो गया उसका टेरर, जिसकी बदौलत उसने दशकों तक पूर्वांचल में अपना साम्राज्य कायम रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।